नाजरीन आज कुछ लोग अंग्रेजों के इतिहास पढ़कर कहते हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा है। चलो आपके ही कहने पर हम मानते हैं कि बाबर भी लुटेरा था, अकबर भी लुटेरा था, हुमायूं भी लुटेरा था, शाहजहां भी लुटेरा था, सब लुटेरे थे। तो कोई मुझे ये बताए कि ये सारा धन कहां ले गए? मर के तो ये सारे यही दफन है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना सारा माल किसी बैंक में जमा कर दिया होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना सारा धन भारत में ही लगा दिया ताकि भारत की जनता को सुख सुविधा मिलती रहे। और मुगलों ने भारत को कई सारी इमारतें दिए हैं जिसकी वजह से आज लाखों लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, जिनमें से एक ताजमहल है जिसे देखने विदेशी आते हैं और भारतीय मुद्रा का भंडार लगता है। और इन्हीं मुगलों में से एक औरंगजेब आलमगीर के दौर में पूरी दुनिया की 1/4 जीडीपी भारत के पास थी। साथ ही शाहजहां के वक्त में हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर अपने चरण पर था। उस वक्त हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर उतना ही मशहूर था जितना आज दुबई का है। क्या मुगल लुटेरे थे? अपनी राय कमेंट में बताओ।